लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। एक तरफ जहां ओडीएफ वाटर प्लस मानांकन जीतकर नवीमुंबई महानगर पालिका जश्न मना रही है, वहीं नवीमुंबई के तुर्बे स्टोर के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां लोग गंदा और दूषित पानी पीने को मजबूर है। शिवसेना के उपशहर प्रमुख अनिल पाटिल ने इसे लेकर अपने उपनेता विजय नाहटा से हस्तक्षेप की मांग की थी। फिलहाल विजय नाहटा की पहल पर मनपा आयुक्त ने प्रभाग 70 की दूषित जलापूर्ति को तत्काल सुधारने का निर्देश दिया है। जाहिर है जल्द यहां नागरिकों को पीने का शुद्ध पानी मिलने लगेगा। देखिए रिपोर्ट। ओडीएफ वाटर प्लस मानांकन जीतकर जश्न मना रही नवीमुंबई महानगर पालिका भले ही 24 घंटे शुद्ध जलापूर्ति का दावा करती हो, लेकिन असलियत यह है कि तुर्बे स्टोर्स जैसे कई स्लम इलाकों में आज भी लोग गंदा और दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। यकीन नहीं आता तो तुर्बे स्टोर के प्रभाग 70 में नलों से आ रहे इस पानी को ही देख लीजिए। ये वो झागदार पानी है जो सेहत बिगाड़ रहा है, और इसीलिए शिवसेना के उपशहर प्रमुख अनिल पाटिल ने उपनेता विजय नाहटा के मार्गदर्शन में मनपा आयुक्त और संबंधित अधिकारियों को निवेदन देकर इसे तत्काल सुधारने की मांग की है। बताया जा रहा है कि विजय नाहटा के दखल के बाद मनपा आयुक्त ने जल अभियंता और कॉन्ट्रैक्टर को प्रभाग 70 की सभी पुरानी पाइपलाइनों को तत्काल बदलने और दूषित पानी की जगह शुद्ध पानी की आपूर्ति बहाल करने का निर्देश दिया है। इसके लिए जल अभियंता बैठक भी कर चुके हैं। उम्मीद की जा रही है कि दूषित पानी पहुंचा रही पुरानी पाइपलाइनें जल्द बदली जाएंगी, यानी जल्द ही यहां नागरिकों को पीने का शुद्ध पानी मिलने लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।